ट्वेल्थ में आपको ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा, और शायद अगर कोई मिल जाए तो उसमें, क्योंकि 11 में 12 के ज़्यादातर जो सवाल आते हैं ना, क्योंकि 12.5 तो आपकी कैंसिल हो गई है ना, 12.1 भी कैंसिल हो गई है, तो 12.2, 3, 4 के या तो सवाल आते हैं वर्ड प्रॉब्लम जो 12.2 में आपको मिलेंगे, वो काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, या 12.3 के एंड पे जो 2-3 वर्ड प्रॉब्लम है वो आ जाते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का आता है कि तीन आपको चीज़ें गिवन होती हैं, आपको ट्राइंगल को सॉल्व करना होता है, तो उसमें मे बी वैल्यूज चेंज करके दे दिया पास पेपर में, लेकिन केसेस वही होते हैं कि दो एंगल दे देंगे, एक साइड दे देंगे, या तीन साइड दे देंगे, या एक साइड दो एंगल दे देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर वैल्यूज चेंज भी हो जाए आसानी से कर लोगे, तो 12.2, 3, 4 आप कर लो, और इसमें वैसे भी कोई सवाल हट के नहीं आया, बस सब बुक के क्वेश्चंस आए हैं, और इनकी एग्जांपल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, निहायत ही ईजी क्वेश्चन आई हैं। अब जो आखिरी चीज़ रहेगी वो चैप्टर नंबर 13 है, 13.2 की एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल और एक दो क्वेश्चन हट के आए हैं, उनको ज़रा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो आप लोग, उसके बाद 2009 में क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी है, लेकिन पार्ट नंबर बी में आपको एक सवाल गिवन है जो 12.5 का है, उसमें और करने के बाद ये 13.2 का सवाल लिखा है, तो 6 का बी पार्ट और बी में भी और के साथ जो सवाल गिवन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और सवाल क्या है, स्क्वायर रूट 1 cos θ माइनस स्क्वायर रूट 1 sin θ इक्वल टू 1। अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, अलॉन्ग में आया हुआ था, लेकिन आप लोगों का जिस हिसाब से पैटर्न है उस पैटर्न में ये सवाल इस टाइप के आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये उस साल में लॉन्ग के बी पार्ट में आया था, इसका मतलब 7.5 नंबर में आया था, दैट्स वाई आपको एक बड़ा सवाल नज़र आ रहा है भाई। लेकिन आप लोगों का जिस हिसाब से पैटर्न है 13.2 शॉर्ट में आती है, तो इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं। बहरहाल अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है ना आपने, तो इस तरफ दोनों टर्म के ऊपर होल स्क्वायर आ गया, उधर वन के ऊपर स्क्वायर आ गया, इस पर फॉर्मूला लगा दोगे आप a-b होल स्क्वायर, तो जब इस पूरी चीज का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, फिर फॉर्मूला कहता है -2ab, तो -2ab, फिर फॉर्मूला कहता है +b², इस पूरी चीज का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा 1 sin θ, और यहां पे =1 आ रहा है। ये वाला 1 जो है इसको यहां से आप कैंसिल कर दो, इक्वेशन के दोनों तरफ जो सेम चीज होती है वो कैंसिल हो जाती है ना, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इस 1 और इस 1 को आप कैंसिल कर दो, ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको इधर रहने दो, और जब दो स्क्वायर रूट गिवन हो और उनके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सेम रूट गिवन है तो अंदर वाली जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 cos θ 1 sin θ ये अंदर मल्टीप्लाई हो गए, अच्छा ये वाला 1 तो कैंसिल हो गया, ये cos उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये -sin है उधर जाके पॉजिटिव, अच्छा ये पॉजिटिव cos था उधर जाके नेगेटिव, और ये +1 है उधर जाके नेगेटिव, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है। अब अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, क्योंकि रूट से आपकी जान नहीं छूटी, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो होगा ये कि इस पूरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहां पे 3 टर्म है, इन 3 टर्म पे आपको फॉर्मा लगाना पड़ेगा a+b+c होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ac, जरा देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर होता है 4, इन के ऊपर से रूट हट जाएगा तो जस्ट क्या बचेगा पीछे, 1 cos θ 1 sin θ, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहां से रूट जो है वो हट गया, तो 1 cos θ 1 sin θ अपनी जगह पे आ गया, और यहां पे आप फॉर्मूला लगा दोगे। अच्छा फॉर्मूला किस तरह लगेगा, सबसे पहले तो स्क्वायर करते हो ना आप, यहां पे a जो है वो पॉजिटिव साइन थीटा, b जो है वो -cos θ, c जो है वो -1 के बराबर है, तो a का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, -cos का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव cos स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, फिर होता है +2ab,
बी नेगेटिव है ना, तो टू ए बी वाली टर्म को ये नेगेटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए बी, असल में प्लस टू ए बी था, टू तो पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी यहां पे नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दरमियान में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर होता है टू बी सी, अब बी भी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे प्लस टू बी और सी काइंड ऑफ माइनस वन है, मतलब ये असल में इस तरह हो रहा था टू माइनस बी, सॉरी टू बी सी, तो बी माइनस कॉस थीटा, सी माइनस वन, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो जस्ट आपके पास टू कॉस थीटा आ जाएगा। और फिर होगा प्लस टू ए सी, अब ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो दरमियान में नेगेटिव आएगा, तो आपके पास आ जाएगा टू ए सी। ये आपने पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, अब जरा इसको मजीद सॉल्व करते हैं। जरा इस तरह भी हमको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वन को वन से करो, वन को माइनस साइन से, जो ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करते हो ना वैसे आप करो, तो जाएगा वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरह तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ खास सिंप्लीफिकेशन है नहीं, हाँ ये कर सकते हो आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है वन के बराबर होता है, तो इसकी जगह वन आ जाएगा, ये वाला वन ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा फिर क्या है, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे है प्लस टू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे है माइनस टू साइन थीटा, ये आपके पास पूरी इक्वेशन बन गई। अब मजीद सिंप्लीफाई करो, फोर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा फोर माइनस फोर साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा माइनस फोर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा दरमियान में। अच्छा यहाँ पे क्या होगा टू, अच्छा देखो टू हर टर्म में आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ऐसे जरूरत नहीं थी, रहने तो मल्टीप्लाई ना करो, उसकी रीजन ये कि आप टू को कैंसिल कर सकते हो, आप फोर अभी रहने तो फिलहाल ऐसे, वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे आप टू कॉमन ले लो। देखो एक तो टू इनमें आ रहा है ना, तो यहाँ से टू कॉमन लो, इन दोनों में से मतलब ये टर्म बेसिकली ये हो जाएगी टू, तो जब आप इस टर्म से टू कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वन बच जाएगा, इस वाली टर्म से टू कॉमन लो टू हट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, इस वाली टर्म से टू कॉमन लो कॉस थीटा, इस वाली टर्म से टू कॉमन लो माइनस साइन थीटा बच जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है वन टाइम टू टाइम, ये थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो टू माइनस टू साइन थीटा टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तभी मैंने कहा था सवाल बहुत बड़ा है, मुझे इसका कोई इजी तरीका नहीं मिला, काफ़ी मैंने सोचा है, इतना बड़ा सवाल है ये। अब फाइनली आपके मसले ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप कहीं भी शिफ्ट करवा दो, इतना मैटर नहीं करता। लेट कर लेता हूँ मैं के इन उन सब टर्म को इधर ले आओ, ठीक है, तो वन इधर आके माइनस हो जाएगा टू से, तो क्या बचेगा वन बच जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, मतलब माइनस टू यहाँ पे है, ये इधर आके पॉजिटिव वन हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है। अच्छा कॉस थीटा इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा के बराबर, उसके बाद माइनस साइन है यहां पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन, हाँ माइनस टू प्लस वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन आपको दिखने में लग रहा है कि आप किस तरह कॉमन निकालोगे, ये कॉस थीटा की टर्म लिखो पहले, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, फिर ये वन जो है इसको उधर ले आओ माइनस साइन थीटा, आपको वैसे भी दिखने में थोड़ा लग जाएगा जब आप कॉमन लोगे, क्योंकि जब आप इन दो टर्म से कॉमन लोगे कॉस थीटा, तो अंदर वन माइनस साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे एग्जैक्ट वन माइनस साइन थीटा मौजूद है, ये समझ लो आपने यहाँ पे वन कॉमन लिया, इन दोनों टर्म से आपने वन कॉमन लिया, ठीक है, वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा दोनों टर्म में आ रहे हैं, तो आप कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस थीटा आएगा, यहाँ से प्लस वन आ जाएगा। अब आप दोनों को इक्वल टू जीरो रखो, वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो, वन प्लस कॉस थीटा
इक्वल टू जीरो, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन, यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन। जरा नोट कर लो आप लोग इसको, सॉल्व करो थीटा वाली इक्वेशन। थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स वन के, अच्छा ये थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स माइनस वन के। तो साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाय टू के बराबर। दूसरा एंगल कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो, लेकिन उससे भी ये एंगल आएगा क्योंकि 360 के अंदर साइन जस्ट पाई बाय टू पे ही वन होता है और किसी पे वन नहीं होता। तो अगर दूसरा एंगल निकालना चाहो तो वो भी पाई बाय टू ही आ रहा होगा। और इस वाले केस में कॉस इनवर्स माइनस वन कब होता है, पाई के ऊपर होता है, ठीक है। दूसरा एंगल होगा नहीं क्योंकि पूरी 360 के अंदर सिर्फ पाई के ऊपर ही कॉस माइनस वन होता है। इसी तरह पूरी 360 के अंदर सिर्फ साइन जो है वो 90 पे ही वन होता है और किसी पे वन नहीं हो रहा होता। तो पाई बाय टू ही हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे पाई हो जाएगा। इस पे इसको आप लिख दोगे डिस्कार्ड। क्यों डिस्कार्ड लिखोगे, क्योंकि मैंने तो चेक किया है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। क्योंकि देखो जब आप इतनी दफ़ा स्क्वायरिंग करते हो ना, डेफिनेटली आपके पास ऐसी वैल्यूज आ रही होती हैं जो सेटिस्फाई नहीं करती। तो जब भी आप खासतौर पे इतनी स्क्वायरिंग करो तब तो लाजमी चेक कर लेना। तो मैंने चेक किया था पाई पुट करके, ये जो इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ पाई बाय टू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखो। अच्छा आपको कोई रीज़न बताने की भी ज़रूरत नहीं मैंने क्यों डिस्कार्ड किया है, बताना चाहो तो बना दो, मतलब दिखा दो कि पुट करते हुए कि मैंने पाई पुट किया है सेटिस्फाई नहीं करा लेफ्ट हैंड साइड। अगर बताना चाहो तो बिल्कुल ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट होती तो वो बोलते कि चेक करो, मतलब सॉल्व भी करो और साथ चेक भी करो, जैसे 3.8 में नॉर्मली वो दे रहे होते हैं कि आपने सॉल्व भी करना है फिर वेरीफाई भी करना है। जब आपको नहीं बोला तो ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। स्टेप दिखा दो वेरीफिकेशन की हेडिंग डाल के, पाई पुट करके देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर लिख दो डिस्कार्ड, फिर आप ये वाली वैल्यू पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स इट। एंड पे आप सॉल्यूशन सेट लिख दो। चाहो तो ये काम कर सकते हो, चाहो तो ना काम करो, ज़रूरी नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन में आप 2n पाई ऐड करो, दैट्स इट, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये सवाल ऑब्वियसली आप लोगों का अभी जो पैटर्न है उसके मुताबिक सेट बैठता नहीं है, लेकिन खैर ये है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है और उसका पार्ट 2 है, उसका और जो है वो मैं करवा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम पेपर खोलोगे ना तो 6 का पार्ट बी होगा। बी के अंदर दो पार्ट थे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर चॉइस थी कि या तो पार्ट नंबर 2 कर लो या आप और करके इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2, इसको आपने सॉल्व करना है। ज़रा देखते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, हो जाएगी इंशाल्लाह। 2 को माइनस 2 से करो माइनस 4, माइनस 4 के फैक्टर बनाते हैं, सही है। तो इसके फैक्टर आप बनाओ माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस 4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस 4 आएगा और ऐड करो तो माइनस 3 आ जाएगा। शुरू की दो टर्म में से 2 साइन थीटा कॉमन लो, यहाँ से साइन आएगा, यहाँ से माइनस 2 आएगा, और इन दोनों टर्म में से आप 1 कॉमन ले लो। दोनों टर्म में साइन थीटा माइनस 2 कॉमन आ रहा है, इधर से 2 साइन थीटा बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। दोनों को इक्वल टू 0 रखो, आइधर साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 0, साइन थीटा कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ऐसा कोई एंगल पैदा ही नहीं हुआ कि जो साइन के अंदर पुट हो और आंसर 1 से ग्रेटर हो जाए, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो साइन थीटा कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको आप हटा दो, इस पर आ जाओ। तो 1 को उधर भेजो, माइनस 1 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। थीटा कैसे आएगा, थीटा होता है साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। तो इस पूरी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो मैंने बताया था साइन के अंदर दूसरा एंगल आप कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो, तो पाई माइनस माइनस पाई बाय 6।
तो साइन के अंदर दूसरा एंगल इस तरह निकलता है। फिर मैंने बताया था कि जो नेगेटिव एंगल होता है नॉर्मली उसको पॉजिटिव कर दो, ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसके अंदर 2π ऐड करेंगे। मैंने 13.2 डिटेल में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, जाके उसको देख लो, आसानी हो जाएगी। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने 2π ऐड कर दिया, इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस पॉजिटिव, 6 को 2π से करो 12π, 12π माइनस π, ये हो जाएगा 11π। तो ये आंसर आ जाएगा 11π/6, 11π/6, और इसको सॉल्व करो, 6 को पाए से करो, 6π + π 7π/6, तो दूसरा एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप सॉल्यूशन सेट लिखोगे, सॉल्यूशन सेट में 11π/6, 7π/6। अच्छा, इसको जनरलाइज बात करते हैं हम कि आप 2nπ ऐड करते हो साइन के केस में, यूनियन 7π/6 प्लस 2nπ, ये आ गया भाई जनरल सॉल्यूशन। आप देख लेना वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा, आई गेस ये वेरीफाई कर रहा होगा जब आप यहाँ पे पुट करोगे। मैं ज़रा देख लेता हूँ, अगर आप 11π/6 पुट करते हो तो साइन के अंदर क्या आता है, -1/2 आएगा, -1/2 का स्क्वायर 1/4। अच्छा जी, -3 साइन के अंदर अगर आप पुट करो, -1/2 -2, 1/2 प्लस 3/2 -2। हाँ, ये पूरी चीज़ जीरो के बराबर आ रही है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 11π/6 को, सेटिस्फाई कर रहा है। 7π/6 सेटिस्फाई करना चाहिए, 7π/6 क्या होता है, 210, तो 7π/6 भी सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे इसके, नोट कर लो भाई इसको। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये बुक की एग्जाम्पल है, मैं ज़रा इसका नंबर बता देता हूँ फिर हम बुक पे आ जाएंगे। 2016 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, और उसका और करके है, पार्ट नंबर 4 में चॉइस है, और करके लिखा हुआ है sin 2θ - cos θ = 0। ये बुक की आखिरी एग्जाम्पल है 13.2 से पहले, ज़रा इसको सॉल्व करते हैं फिर बाकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, sin 2θ बराबर होता है 2sin θ cos θ, मतलब आपने डबल एंगल फॉर्मूला लगा दिया sin 2θ का, दोनों टर्म में से cos कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो, पहले टर्म में से 2sin θ, दूसरी टर्म में से -1। अब आप दोनों को इक्वल टू 0 रखो, आइदर cos थीटा इक्वल टू 0 और 2sin θ - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 0, और यहाँ पे sin θ हो जाएगा 1/2 के, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, कॉस इनवर्स 0 मतलब कॉस 0 कहाँ पे होता है, कॉस 0 होता है π/2 पे, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा π/2। कॉस के केस में दूसरा एंगल कैसे निकालते हो, 2π में से माइनस करते हो। अच्छा, कैलकुलेटर से अगर आप साइन इनवर्स 1/2 लिखोगे, कैलकुलेटर आंसर देगा π/6, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, π में से माइनस कर दोगे। यहाँ पे क्या हुआ, π/2 -4π - π 3π, ये हो जाएगा 3π/2, दो एंगल यहाँ से आ गए। अच्छा, ये है π/6, 6 को पाए से करो 6π - π 5π/6। अब वो वक्त आ गया जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, अब सब कॉस और साइन के केस है ना, तो 2nπ आप ऐड करते हो, तो π/2 प्लस 2nπ यूनियन 3π/2 प्लस 2nπ यूनियन π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ, दैट्स इट। अच्छा यार, इसमें देख लेना कि अगर सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो आप ये सारे एंगल पुट करके देख लेना, मेरे पास अभी है नहीं तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये π/2 तो मुझे दिखने में नहीं लग रहा सेटिस्फाई करते हुए, π/2 पुट करो, साइन पाए क्या होता है, 0 के बराबर होगा यहाँ पे, नहीं नहीं ये तो सेटिस्फाई कर रहा है,
थ्री पाई बाई टू देख लेना, खैर आप इसको ये चारों आप इसके अंदर थीटा के पुट करके देख लेना, अगर ये सेटिस्फाई करें तो सॉल्यूशन सेट में लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना। अच्छा अब बाकी जरा देखो, पास पेपर में तो ये आया है, पास पेपर में इसके अलावा कोई चैप्टर नंबर 13 से हट के नहीं आया हुआ। अब एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ये को 216 था ना, हाँ 13 का और कोई नहीं है। एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को मुश्किल लगे। अच्छा बुक में सॉल्यूशन है ना इसका, हाँ अच्छा बुक में उन्होंने 2n प्लस माइनस पाई बाय 2 किया हुआ, ये भी सॉल्यूशन ठीक होता है। अगर आप 13.2 में जाओ ना, तो मैंने बताया है कॉस के केस में जो एंगल आता है ना पहला, दूसरा एंगल आप इस तरह भी निकाल सकते हो कि आप इसके साथ माइनस लगा दो, कॉस के केस में ये भी हो सकता है या दूसरा तरीका ये भी होता है। तो इससे आप घबराना नहीं, 13.2 देख लेना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इसकी, आपको समझ आ जाएगा दोनों आंसर यहाँ पे, ठीक है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, वो मॉडल पेपर के अंदर आई हुई है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ईजी है, एग्जाम्पल नंबर 2 और बच्चों वाली है। अच्छा जी, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 के सॉल्यूशन में ना दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2n पाई यूनियन पाई प्लस 2n पाई, उसकी जगह एंड पे लिखा हुआ है n पाई। तो ये भी मैंने रीज़न बताई हुई है कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह लिख रहे होते हैं। तो ये भी आप 13.2 देखोगे, मैंने हर चीज़ को वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो बेहतर आप वो देख लो, समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ, ये तो मॉडल पेपर के अंदर आई हुई है, तो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में ये चीज़ मैं नहीं करवाऊँगा, तो यहीं पे आप लोग देख लो, ये एग्जाम्पल कवर हो जाएगी यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 366, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल होगी या नहीं होगी, नहीं मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रूट आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट फेमिलियर नहीं होते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, अब जरा मैं बताता हूँ गलती क्या करते हैं। आपने इसको कंसीडर कर लेना है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आप साइन थीटा को कंसीडर करो, ये एक्स के बराबर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे जरा आप देखो, हेयर ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट 2√2 है, कॉन्स्टेंट क्या है -3 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इक्वेशन में अगर x आता था तो आप यहां पे x लिखते थे, हमारी इक्वेशन में क्या आ रहा है साइन थीटा, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू -b, बी क्या है 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे 8 आ जाएगा, -4ac -3 है डिवाइडेड बाय 2a, जब -2√2 प्लस माइनस 8, जब -4 को 2 से करो -8, -8 को -3 से करो 24, 24 को 8 में ऐड करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 32 आ जाएगा, और नीचे क्या है 4। सिंप्लीफिकेशन इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है 32 को उन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है बस, -2√2 प्लस माइनस, ये जो रूट 32 है ना, इसके जब आप फैक्टर बना के सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा होगा 4√2, और नीचे क्या आ रहा है 4। तो इसमें आप दो अलग अलग कंसीडर कर लो, इस तरह कर लो, मैं थोड़ा मैं एक्सपेंड करूँ, बुक वाले ने स्टेप लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप इस तरह लिख लो इसको कि एक में आप पॉजिटिव कंसीडर करो इस तरह, और एक में आप दरमियान में नेगेटिव कंसीडर कर लो। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव किया, अब आप यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करो, उसके बाद सॉल्व करो, -2√2 प्लस 4√2, -2 प्लस 4 मतलब 2√2, -2√2 -4√2, तो -2 -4 -6√2 अपॉन 2, तो 2 से 2 यहां पे कैंसिल करो, साइन थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, साइन थीटा कभी भी √2 के बराबर नहीं आएगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे इनका अलग आ रहा है। अच्छा सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है कोई, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। तो आप इसको इस तरह देखते हैं, तो जरा कैंसिल करो, 2 1 2 2 2 4, ये हो रहा है साइन थीटा इक्वल टू रूट 2/2। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा इसको ज़रा देखते हैं, ये है माइनस ऊपर 3 आ रहा नीचे 2 आ रहा, 3√2/2। अच्छा √2/2 होता है आई गेस 0.70 होता है ना कुछ, मैं ज़रा आपको करेक्ट रीज़न बता देता हूँ, ये 1 से ग्रेटर आ रहा है। तो √2/2, हाँ 0.707 होता है, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 2.12 आ रहा है। देखो रीज़न ये कि मैंने अभी ये बताया था कि साइन थीटा 1 से ग्रेटर नहीं होता, -1 से कम नहीं होता, इसका आंसर आ रहा है -2 point something। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि साइन कभी -1 से नीचे होता ही नहीं है, तो -2 कैसे हो सकता है। तो ये वाली चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। चाहो तो नीचे लिख दोगे नो सॉल्यूशन, थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस वाली इक्वेशन को देख लो, साइन थीटा √2/2 है, तो साइन इनवर्स √2/2 कैलकुलेटर से निकालना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा π/4। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, पाई में से माइनस करोगे, दूसरा एंगल यहाँ पे आ जाएगा 3π/4। बस जनरल सॉल्यूशन में लिख देना 2nπ + π/4, 2nπ + 3π/4। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इजी है। बुक वालों ने क्या किया हुआ है कि साइन एक्स को उधर ले गए, इक्वेशन के दोनों तरफ आप, मतलब ये वाली इक्वेशन आ रही है ना, साइन एक्स इक्वल टू √3 cos x, आप क्या करो दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो। तो साइन अपॉन cos क्या होता है, टेंजेंट, और cos अपॉन cos 1, यहां पे √3 बच जाएगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, टेंजेंट इनवर्स √3 जो है, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा, टेंजेंट इनवर्स √3 का कैलकुलेटर आंसर आपको देगा π/3। टेंजेंट के केस में आप दूसरा एंगल नहीं निकालते, बुक वालों ने निकाला हुआ है, छोड़ दो इग्नोर करो इस बात को। टेंजेंट के केस में मैंने बताया था आप एक ही एंगल निकालते हो, तो कैलकुलेटर से आपको आंसर मिल जाएगा टेंजेंट इनवर्स √3 का π/3। जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, π/3 + टेंजेंट के केस में आप nπ ऐड करते हो। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। अगर बुक वालों को फॉलो करो वो भी गलत बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन जो एक चीज़ मैंने आप लोगों को करवा, हालांकि देखो बुक में भी एंड पे लिखा हुआ है, हेंस द सॉल्यूशन सेट, एक तो उन्होंने अपना लिखा हुआ है कि यूनियन करके वो भी लिख सकते हो, और करके ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो आप ये वाले इस चीज़ को फॉलो करो, दैट्स इट, आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगे। तो यार चैप्टर नंबर 13 के पास पेपर्स, एग्जाम्पल्स, हर चीज़ हमने कर ली, दैट्स इट, बड़ी मेहनत लगी है। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।